महंगाई नूं लैके हाहाकार लोगों के मची है, लोग परेशान ने। सो पंजाब 92 रुपए तो पार पेट्रोल पहुँच गया है, डीजल की कीमत 83.17 पैसे हो चुकी है, 83.17 रुपए यानी कि बीते कल जो 82 तो पार सी हुण 83 हो चुकी है। सो लगातार ही पेट्रोल डीजल दी कीमतां जिहड़ियां ने वध रही ने, पंजाब दे विच आए दिन ही ये वाधा देखने मिल रहा है। और शहर वाइज भी तुहानू दिखा पा रहे हाँ, शहर की जेकर गल की जाए मोहाली दे विच 92 रुपए नू लीटर है, और इस तों इलावा मोगा दे विच 91, लुधियाणा दे विच 91 तो पार, और जलंधर दे विच 91 तो पार, पटियाला दे विच 91 तो पार जो है पेट्रोल की कीमत है। यानी कि कह लिया जाए कि महंगाई लगातार ही बढ़ती जा रही है। सो 100 के नेड़े यह पहुँचता हुआ आंकड़ा नज़र आ रहा है। फरीदकोट, पठानकोट, हुशियारपुर, फिरोजपुर, अमृतसर की गल की जाए तो इतने 91 तो पार यानी कि करीब 92। सो पेट्रोल की कीमत जो है वो पहुँची हुई है, और पेट्रोल हुण कह लिया जाए कि आम लोगों के बसों बाहर हो चुके हैं, पहुँच तो बाहर होता जा रहा है। लुधियाना, बठिंडा, फजिलका, संगरूर, श्री मुक्तसर साहब की गल की जाए तो इतने भी यही हाल है। सो तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि किस कदर यह आंकड़ा जो है वाधा ही जा रहा है। हुण डीजल की गल की जाए तो मोहाली के भी डीजल जो है वह 83 तो पार पहुँच चुके हैं, तो मोगा, लुधियाना, जलंधर, पटियाला 82 तो पार, और मोगा के करीब 83। सो 3 पैसे घट, 83 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत जो है वह आंकी गई है। सो फरीदकोट, पठानकोट, हुशियारपुर, फिरोजपुर, अमृतसर की गल की जाए तो इतने भी यही सूरत हाल है। सो हाहाकार जो है वह मच चुकी है, आम लोग खजलखार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आर्थिक मंदहाली के हाले लोग निकले नहीं कि महंगाई के बोझ थले हुण दबना पै रहा है। सो मोहाली, मोगा, लुधियाना, जलंधर, पटियाला बाकायदा देख पा रहे हो कि डीजल की कीमत जो है वह वधदी ही जा रही है। सो डीजल की कीमत भी घट नहीं है, सो आम लोगों की पहुँच तो पार डीजल भी हुंदा जा रही है। सो डीजल दी कीमत जदों वधदियां ने तां ढोआ ढुआई दे लई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है वह भी वधदा है, और ढोआ ढुआई लई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वधेगा तो जाहिर तौर पर चीज़ा महंगीआं होणगीआं। सो सीधा सीधा कह लिया जाए कि सारिया ही चीज़ों पर इसका असर होएगा, चाहे वह करियाने संबंधित हो, या फिर सब्जियों की गल कर ली जाए, या फिर कह लिया जाए कि कन्फेक्शनरी की। सो सारिया चीज़ा ही महंगीआं हो रही ने, सवाए आने वाले समय के महंगाई दर होर भी बढ़ सकती है। कीमत लगातार बढ़ रही ने, जिंद करके आम लोग परेशान है। फिरोजपुर के तस्वीर दिखा देना चाहते हैं कि पेट्रोल तो डीजल के की दाम है। पेट्रोल जोड़ा है 91.94 है, तो डीजल 83.01 है, तो लगातार ये कीमत बढ़ रही ने। आम लोग जोड़ा परेशान है, क्योंकि सीधा असर उन्होंने जेब पर पै रहा है। असी गलबात भी करा जे पेट्रोल पंप के मुलाजम है उन्होंने नाल कि किन्ने बढ़ रहे है, की रेट है इस टाइम, इस टाइम पेट्रोल का की रेट है। पेट्रोल का रेट हैगा 91.94 रुपए, 83.1। ये लगातार बढ़ रहा है जी, कोई आज किसी ने नहीं याद होता, आज दो दिन का रेट किसी से पूछ लो किसी ने नहीं याद होता। लोग आके सानू यानी उल्टा झिड़ा करते ने, मखौल करते ने कि तुसी थोड़ा आपका रेट हैगा, जो मर्जी बढ़ा दो, जो मर्जी वो कर दौ, ये बच्चे थोड़ा ही हैगा सारा कुछ। लोगों को ऐसे समझाई दा कि साड़ा तो ऑनलाइन हैगा, ये चीज़ा बाहरों ही नहीं आ रही ने, सीधा सेंटर दा है, हर आदमी बहुत ज़्यादा औखा हैगा इस टाइम ते। नहीं दुनिया नू चलाना हर एक चीज़ तो बहुत है, माड़ा आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। जिदे दो बच्चे हैं 5-4 हज़ार की नौकरी कर रहा, वो आपके घर नहीं चला सकता, वो तो यानी कहीं फाइनेंस से लेके पैसे, कहीं बैंक से लोन लेके बाद में भर नहीं पाएगा। अजकल प्राइवेट बैंक है ने, पहले उन्होंने लोन दे देवेंगे 5-5 हज़ार, वो 10% लोन ब्याज लेके अगले फिर मरण से ही आ जाते हैं, आपकी खुदकुशी करते ने, सारी चीज़ा बेचते पे ने। रेलवे आज तक रेलवे ठेके तो होगी, किड़ी चीज़ कहाँ चंगी चीज़ मिल रही, प्राइवेट बैंक से भी लूट हैगा। सर साफ तौर पर कहना महंगाई बढ़ रही है, सरकार को इस चीज़ वाल वेखना चाहिए, आम लोग भी मौजूद ने। सर 91.94 रुपए पेट्रोल हो गया, कितना को असर पाता थोड़ी जेब? बहुत सर, बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ही महंगा है पेट्रोल जी। की कहना चाहोगे सरकार को? सरकार यही है, गरीब इन्ना कितों खर्चा करूगा, यही है भी सस्ता किया जाए।
सरकार को वेखना चाहिए है ये इन्हों का कहना है कि सरकार को इधर वेखना चाहिए जिहड़ियां पेट्रोल दी कीमतां वध रहीआं हैगीआं ने उहनू घट करना चाहिए है क्योंकि लगातार जिहड़ियां कीमतां वध रहीआं लोकां दी सीधे जेब ते असर पै रहा सी। आम लोगों नाल होर गलबात करांगे किदां वेखदे हैगे ने बाई जी, किवें देखदे हो पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां लगातार वध रहीआं ने, किन्ना कु तुहाडी जेब ते असर पै रहा? भाई जी बहुत असर पै रहा जी, क्योंकि मेरा तो काम ही इस तरह का रिकवरी की जॉब है, ठीक है, और डेली कितने 100 रुपए नाल एडजस्ट होंदा सी, कितने हुण डबल ही हो गया। पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां वधदीआं तो ट्रांसपोर्ट महंगी हुंदी है, बसां दे किराए महंगे हुंदे ने, होर चीज़ां महंगीआं हुंदीआं, समान महंगा हुंदा, तो फिर समान जदों महंगा हुंदा तो आम लोगों की जेब ते असर पैंदा, तो महंगाई वधदी हैगी है। लोगों का कहना कि सरकार नूं इस चीज़ वल वेखना चाहिए है, पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां घट करनियां चाहीदियां हैगीआं, महंगाई घट करनी चाहीदी हैगी ताकि उन्हां नूं राहत मिल सके। कैमरा परसन रेज दे नाल सनी चोपड़ा, लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब, फिरोजपुर। सो बिल्कुल महंगाई की हाहाकार है और इस विचाले तेल दीआं कीमतां जो ने असमान छू रही ने। सो रूपनगर के भी लोग खजल खुआर से परेशान हो रहे हैं, किस तरह का सूरत हाल है जायजा लिया गया सज्जन सैनी के वलों? महाराज दीआं वस्तुआं दे उत्ते पैण वाला आने वाले दिनों के महंगाई वधन जा रही है क्योंकि सरकार दे वलों डीजल अते पेट्रोल दीआं कीमतां दे विच लगातार वाधा किया जा रहा। आओ गल करते हैं थोड़ा इतने दिखाते हैं पेट्रोल पंप से किस तरह लोग जोड़े है की कहना लोगों का तेल दीआं कीमतों लैके की गलबात करते हैं लोगों के नाल के की सोचते हैं सरकार दीआं नीतियां लैके किस तरह। तुसीं देख सकते हो कि जोड़ा है पेट्रोल पंप से जोड़ा है लोग आ रहे हैं पेट्रोल पाने लिए, गल भी करांगे इत्थे खड़े ने कुछ लोग। सत श्री अकाल जी सर, डीजल अते पेट्रोल दीआं कीमतां लगातार वध रहीआं ने, अगर डीजल की गल की जाए तो 85 रुपये के करीब पहुँच चुके हैं, तो पेट्रोल 92 रुपये जिहड़ा हैगा हो चुके है। किवें देखते हैं लगातार तेल दीआं कीमतां वध रहीआं, सिलंडर 780 रुपये का हो गया गैस सिलंडर, किवें देखदे हो सरकार दीआं नीतियां? देखो जिहड़ी इह भाजपा सरकार आई है ये जद तों इह शासन कर लगी है जद तों जिहड़ियां इहनां नीतियां ये आम जनता के विरोध रही ने, विरोध में रही ने। पहला सरकार के कंट्रोल च हुंदा सी डीजल पेट्रोल, उदों कि महीने दो महीने बाद कीमत वधदियां सी, लोग रौला पाउंदे सी, सरकार उस घट वध करके एडजस्टमेंट कर दिंदी सी। जद तों ये कुर्सी ते बैठे ने ये कारपोरेट घराणियां दी मिली भुगत नाल ये राजसी ताकत विच आए ने, ये जो भी कर रहे हैं राजसी घराणे नूं फायदा पहुँचाउण वास्ते कर रहे हैं। आम जनता दी इन्हां कोले कोई सुनवाई नहीं, आम जनता वास्ते इन्हां कोल कोई टाइम नहीं है, आम जनता दे सांभ संभाल वास्ते आम जनता की सहूलत वास्ते इन्हां कोल कोई किसी तरह की पॉलिसी नहीं है। हुण इहो जिहा काम करता इन्हां ने कि जिहड़ियां इह कारपोरेट घराणे मर्जी नाल डीजल पेट्रोल की बिच गैस की कीमत वधाउंदे ने, और कोई मैं हैरान हाँ जनता तो कि जनता कोई बोलती नहीं है, और उस तो इलावा जिन्नियां सहूलतां देनियां जिन्ने कानून बनाउने आ कारपोरेट घराणे नूं इह अगे लिजाण वास्ते बनाउने आ, आम जनता ध्यान नहीं रखा जांदा। 35 रुपये लीटर पेट्रोल लेना तो सरकार बीजेपी दी लियाओ, बीजेपी दे हक दे विच गल कर रही? बिल्कुल जी, वो सलवार वाले बाबे ने तो अपनी 1 करोड़ रुपये कमा ले सरकार तो लेके, अज एक मैनू समझ नहीं आई इहा जिहा उहदे कोल किहड़ा धंधा जिहड़ा 5 सालां विच उह अरबा रुपया कमा के बैठ गया, सानू तो समझ नहीं आई, असीं रोज़ मिट्टी नाल मिट्टी हो रहे हैं। तो वह बाबे नूं भी इधर आउणा चाहीदा कि हुण तेरे धरने कित्थे गए, तो 1 हज़ार वो धरने पर बैठ गया था वो पता नहीं कितने लुक गया, ये सारे ना बीजेपी वाले दे मसंद ते जिहड़े बीजेपी की सरकार बना के खुड्डां विच लुक गए, इन्हां नूं आम जनता नाल कोई लगाव नहीं हैगा। तो बाबा इन्हें अज एक सूई तो लेके ट्रकां तक बनाते, तो आम लोगों दीआं फैक्ट्रियां क्यों नहीं काम हुई कामयाब नहीं हुंदियां ते इहदियां क्यों हो गईआं? इस करके ये सब लुट्टू सरकारां ने अपने अपने धंधे चलाए हुए हैं, हुण काणा पता नहीं कितने लुक गया, उहदे हरेक प्रोडक्ट फेल हो रहा है, क्यों हिंदुस्तान च क्यों नहीं हो रहा, पंजाब भारत च क्यों नहीं हो रहा उहदा फेल, क्योंकि बिल्कुल। की नाम जी? कुलवंत सिंह सैनी जी। की कहना चाहते सरकार दी नीतियों नूं लैके लगातार डीजल पेट्रोल ते गैस दे रेट वधाए जा रहे, आम लोगों दे जिहड़ी हैगी है जेब ते वाधू बोझ पै रहा? देखो जी अज कीमत है जिहड़ी 100 रुपये दे लगभग पहुँच गई आ, इहदे विच 35 रुपये जो सरकारी रेट है पर जिहड़ा 70 रुपये दे लगभग है वह जिहड़ा वजन है वह आम जनता ते पै रहा, इस करके आम जनता नूं जागरूक होना पैना। जिदा हुण अपने किसानी संघर्ष नूं लैके किसान बार्डर ते बैठे है उन्हां दा साथ दिता जाए ता जो ये जो लहर है इस नूं देश पद्धर ते पेट्रोल का मुद्दा भी आवे ते डीजल का मुद्दा भी आवे ते सिलेंडर का मुद्दा भी आवे, और ये जो सरकार है ये सिर्फ कारपोरेट घराणियां नूं ही फायदा देने वास्ते कम कर रही है और आम जिहड़ा जनता उहदा गल कुट्टिया जा रहा है।
95 रुपए 45 पैसे के करीब जिहड़ा हैगा पेट्रोल जिहड़ा है हो चुक्या। अगर इस तरह रेट वध रहे तो आने वाले दिनों दे विच पेट्रोल जिहड़ा हैगा पंजाब दे विच सेंचुरी जिहड़ी हैगी आ पूरी कर लवेगा। तो हुण देखना होगा कि सरकार आम लोगों के उत्ते जो बोझ पाया उसनू वापस लैंदी आ कि लोग इसके खिलाफ रोस प्रदर्शन करते हैं, ये आने वाले दिनों देखना होगा। फिलहाल लोगों की जेब के उत्ते जिहड़ा हैगा तेल और गैस जिहड़ी हैगी वड्डे पद्धर से डाका मारी है। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी, लिविंग इंडिया न्यूज़।